भारत पुलवामा तर्ज का झूठा ऑपरेशन रचा सकता है। पाक फौज किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत आजाद कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब न देखे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। भारतीय वजीर दिफा का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। कहा कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने बड़ा मार का सर किया। हिंदुस्तान चौंक गया कि ये क्या हो गया, ये लंबी लड़ाई है जो हमने हर फोरम पर लड़नी है। वजीर खारजा की कश्मीर से मुतालिक खसूसी कमेटी के इजलास के बाद ब्रीफिंग। अहम ममालिक के सफारत खानों में कश्मीर डेस्क बनाने का फैसला। पाकिस्तान को एशियन टाइगर और लाहौर को पेरिस बनाने के दावेदारों ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जहां इंसानियत और इंसाफ हो। वजीर आजम इमरान खान ने खसूसी अफराद के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम का अफ्ताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। फरियाद तालपुर को ईद की रात अस्पताल से जेल मुंतकिल करने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर में भी पीपल्स पार्टी खातिन विंग का एहतजाज। फरियाद तालपुर की रिहाई के लिए नारे। और फरीजे हज की अदायगी के बाद हुजाजे कराम की वतन वापसी का सिलसिला शुरू। जद्दा और मदीना मुनवरा से PIA और निजी एयरलाइंस की परवाजें कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और फैसलाबाद पहुंच गई। पोस्ट हज ऑपरेशन 14 सितंबर तक मुकम्मल होगा।